सर, इस बैग का नाम है फ्री फ्लोटिंग बैग, जिसे लाइफ सेविंग बैग कहते हैं। जैसे हम देखते आ रहे बाढ़ में कितने लोगों की मौतें हो रही है, कितनी जनहानि हो रही है, उसे देखते हुए मैंने इस बैग का निर्माण किया है। यह बैग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह था कि किसी वस्तु को, जैसे एग्जांपल के लिए बोतल ले लीजिए, बोतल को यदि हम जल में डुबाने की कोशिश करते, पानी में डुबाने की कोशिश करते, तो डूबती नहीं है, क्योंकि उसके नीचे से विपरीत और बराबर का बल लगता है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और वस्तु ऊपरी सतह पर तैरती हो डूबती नहीं है। यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित एरिया, सिटी में रहते हो, अचानक आपके गाँव शहर में बाढ़ आ जाए, तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस बैग को अपनाइए। यह बैग आपके भारी से भारी वर्षा में, भारी से भारी बाढ़ में आपकी सहायता करेगा, आपका साथ देगा। यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हो, अचानक आपके गांव शहर में बाढ़ आ जाए, तो आप इस बैग को पहन लीजिए और बाढ़ के जल में जाइए। बाढ़ का जो जल रहेगा ना, ये बोतलें उसके नीचे से विपरीत और बराबर का बल लगेगा, तो बोतलें ऊपरी सतह पर तैरेगी और आपको भी तैराएगी। परिणाम स्वरूप आप किसी किनारे पर जाकर आपकी जान बचा सकते हैं। बिहार में अब तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है, तो उन 224 लोगों के पास अगर मेरा इस जैकेट होता तो उनकी जान बच सकती थी। होशंगाबाद में दीपक नाम के एक लड़के ने पिछले साल कुल 22 लोगों की जान बचाई और खुद जल में फिसल कर उसकी मृत्यु हो गई। अगर उस दीपक के पास मेरा यह जैकेट होता तो उसकी जान बच जाती, जान बच जाती। यह जैकेट बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, बिल्कुल अपशिष्ट पदार्थों से बनाया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए बोतल ले लीजिए, बोतल हम मार्केट से खरीदते, दो तीन महीना यूज़ करते, इसे फेंक देते, इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। सर सोचिए, अपशिष्ट पदार्थों से किसी की जान बचा सकते हैं, हम अपनी जान बचा सकते हैं और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। और यह कपड़ा जो हमारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल ही रहता है, उसे इस प्रकार के खाँचे बनाकर हमारे वेट के हिसाब से हम बोतलें डाल देते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। यह बिल्कुल सस्ता है, घरेलू उपयोगी है, एकदम आसानी से बन जाता है। थैंक यू।